रेबा, इतना नाराज हो मुझसे, पलटकर देखोगी भी नहीं। नंदिनी ने दरवाजे की ओर से दबी आवाज में कहा। रेवा ने पलटकर माँ को देखा और एकटक देखती ही रही। इतने में नेत्रा और माया दौड़कर आए और रेवा को लिपट गए। मम्मा, आपने हमारे कपड़े निकाल दिए। रेवा ने कहा, हाँ बेड पर रखे हैं, जाओ जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। ये कहकर रेवा कमरे में चली आई। रेवा ने नंदिनी की आंखों में झांका और कहा, बहुत नाराज हूँ, बहुत। नंदिनी ने बात बीच में काटते हुए कहा, मैं जानती थी ये कभी सही नहीं हो सकता था, ये कभी सही नहीं था। मैं कभी तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी, मैं कभी नहीं चाहती थी ये सच तुम पे जाहिर हो। रेवा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुँचाई है। नंदिनी का हाथ अपने हाथ में थाम कर रेवा ने कहा, सबकी खुशियों की परवाह है तुम्हें, और तुम्हारी खुशियों का क्या? अपने बारे में कब सोचूंगी माँ? अपने लिए जीना, अपनी शर्तों पे जीना, अपने फैसले खुद लेना, समझौतों में खुद को ज़ाया ना होने देना, तुम्ही ने तो सिखाया है मुझे, तो फिर तुम ये सब कैसे कह सकती हो? मेरे हर फैसले में तुम साथ खड़ी रही हो, मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। माँ बाबा दोनों का फर्ज तुम निभाती आई हो आज तक, तो फिर अब ये संकोच कैसा? तुम ही तो कहती आई हो ना कि तुम मेरी दोस्त हो, और मैं तुम्हारी दोस्त नहीं। मुझे इस लायक भी नहीं समझा, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई माँ। रेवा गुस्से में बोलती चली जा रही थी, पिछले 30 सालों से तुम्हें अकेले जूझती देख रही हूँ, हर हालात हर परिस्थिति से, मगर फिर भी कभी हार मानते नहीं देखा। तो इतनी बड़ी लड़ाई कैसे हार सकती थी तुम? कैसे हार गई तुम बिना लड़े? कैसे खुद को खुद से धकेलती आई हो माँ इतने सालों तक? मैंने कभी 2 दफा भी नहीं सोचा तुम्हारे आगे अपना मन खोल कर रखने में। मैंने कभी संकोच नहीं किया, जो जी में आया कहा किया, क्योंकि तुम मेरे साथ थी और मुझे किसी बात का डर नहीं था, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं थी। ये कैसी दोस्ती हुई माँ, जहां तुम मुझे अपने मन की बात नहीं कह सके? तुम कैसे भूल गई? कैसे भूल गई मुझे ये बताना? कैसे मुझे इससे दूर रखा तुमने? बहुत नाराज़ हूँ मैं तुमसे, और तुमसे कहीं ज़्यादा खुद से नाराज़ हूँ, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में इतनी मशगूल थी कि मैंने तुम्हारी सुध नहीं ली। मैं कभी 2 घड़ी रुककर तुम्हें पूछ नहीं पाई कि माँ तुम खुश तो हो ना, और तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि तुम अपना सच मुझसे कह सको, बेझिझक अपना मन मुझसे बांट सको। मैंने तो कभी इतना संशय नहीं पलने दिया मन में माँ, बेझिझक तुम्हें सब कहती आई हूँ। कॉलेज के पहले साल में दिवाकर को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं सही थी या गलत, मगर तुमने सवाल नहीं किया, तुमने मेरे चुनाव को खुली बाहों से स्वीकारा। अपनी पहली सैलरी तुम्हारे हाथ में थमाकर कहा कि बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हूँ। तुमने वो जिम्मेदारी भी मुस्कुराकर आधी आधी बांट ली। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए कभी सवाल नहीं थे, बस गर्व था। आज तुम्हारी वजह से मुझे माँ कहलाने का सुख है। नेत्रा और माया को घर में लाई, मगर उनका घर तो तुम ही रही हो ना माँ। तुमसे अलग क्या पहचान है मेरी, क्या पहचान है हमारी? तुम ना होती तो मैं क्या होती माँ? फिर तुम कैसे इतना कमजोर पड़ गई? मुझे तो पता ही नहीं चलता अगर तारा आंटी मुझसे बात नहीं कहती, अगर वो मुझे ये सच नहीं सुनाती, और तुमने मुझे बिना बताए उन्हें शादी के लिए मना कर दिया। कब तक भागती रहोगी खुद से माँ? कब तक अपने सच से भागती रहोगी? अब नहीं स्वीकारोगी तो कब स्वीकारोगी माँ? जवाब दो मुझे, नंदिनी ने रुंधे स्वर में कहा। मैं 16 की थी तब अपनी माँ से अपना सच खोल कर कहा था, उनके सामने अपना मन खोल कर रखा था, उनसे पूछा मैं कौन हूँ, और उन्होंने मुझे तावीज़ बांध दिए। झाड़ फूँक कर मेरी बीमारी दूर करने की कोशिश की गई, और मैं देखती रह गई। मेरा अस्तित्व, मेरा सच, मेरी पहचान बस एक फितूर भर था, एक बीमारी भर। और फिर मुझे तुम्हारे बाबा से ब्याह दिया, घर गृहस्थी में बन गई, बीवी बहू और फिर माँ हो गई। मैं तो कभी हो ही नहीं पाई।
और फिर तुम्हारे बाबा चल बसे। नन्ही सी तुम मेरी पूरी दुनिया हो गई। माएँ भूल जाती हैं खुद को अपने बच्चों के आगे, रेवा तुम क्यों नहीं समझती हो? रेवा ने पलटकर जवाब दिया, मुझे ये समझ नहीं आता कि औरतें माँ होकर खुद का इंसान होना कैसे भूल जाती हैं। कैसे भूल जाती हैं कि उनके भी अरमान, हसरतें, ख्वाहिशें हो सकती हैं, उनकी भी अपनी एक ज़िंदगी हो सकती है। कभी पति, कभी बच्चे, कभी परिवार, सबकी खुशियों की परवाह, और अपनी खुशियों का क्या? अपनी खुशियाँ किसी संदूक में बंद कर किसी दरिया में बहा आती हैं। सही गलत के फेर में पड़कर ज़िंदगी बस जिए चले जाते हैं। मगर ये जीना किस किस्म का जीना हुआ माँ? इतनी ज़ाया क्यों कर लेती हूँ ज़िंदगी माँ होकर? कब तक माँ होकर भगवान होने की उम्मीद में ऐसे ही ज़ाया होती रहोगी? कैसे भूल जाती हो तुम कि तुम्हें भी तो खुश रहने का हक है ना? थारांडी और तुम साथ में कितने कितने खुश नजर आते हो। कोई किसी के हिस्से का अकेलापन नहीं जीता माँ, कोई किसी के हिस्से का दुख नहीं जीता, कोई किसी के हिस्से के अभाव नहीं जीता। साथ किसको नहीं चाहिए होता है? उम्र के 6 दशक बीतने बाद जब अब तुम अपने सच से मुंह नहीं फेरना चाहती या उस इंसान को थामना चाहती हो जिससे तुम्हें प्रेम है, तो फिर मुझे इस फैसले में शामिल क्यों नहीं किया माँ? क्यों भूल गई तुम कि तुम्हें भी तो खुश रहने का हक है ना? तुम ही तो कहती आई हो ना कि प्रेम से बड़ा कोई गुरु नहीं, प्रेम से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं, तो फिर अब क्यों इससे मुंह फेर रही हो? इतने साल अकेले जीती आई हो, हर सुख हर दुख, अब जब कोई हाथ थामना चाहता है तुम्हारा तो क्यों मुंह फेर रही हो उनसे? तारा आंटी कितना प्यार करती हैं तुमसे माँ, कितनी कोशिशें कर रही हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी ना के बावजूद भी। तुम्हें भी तो खुश रहने का हक है ना? तुम्हें उनके साथ देखकर अच्छा लगता है, तुम दोनों साथ में कितना पूरे लगते हो। तुम्हें खुश देखकर अच्छा लगता है माँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये कहकर रेवा ने नंदिनी को गले से लगा लिया। नंदिनी ने रोते हुए दिल का सारा गुबार निकाल दिया। इतने में माया दौड़ते हुए आई और कहा कि तारा नानी आए हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए। नंदिनी के जूड़े में वेणी लगाते हुए रेवा ने कहा कि बहुत सुंदर लग रही हो, मगर अब जल्दी करो वरना कल कोर्ट इन्हीं सूती साड़ियों में जाना पड़ेगा और शादी के पिक्चर्स तुम्हारी वजह से फीके आएंगे माँ। ये कहकर दोनों हंस पड़े। कार की पिछली सीट पर बैठे नंदिनी ने तारा के हाथ पे हाथ रखा और खिड़की से बाहर झाँकते हुए सोचा कि उम्र के 6 दशक पार उन्हें प्यार और दोस्ती एक जगह एक वक्त पे मिल गए। FM पे गाना बजता है, ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों के हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। थैंक यू।